दोस्तों, अभी हम जा रहे थे मालोनी हिल की गलियों में और मुझे रास्ते में एक ऐसा फैक्ट्री दिखा जो आप देख पा रहे हैं सामने। ये बॉटल की फैक्ट्री जहाँ पे मतलब हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम लेके जाने वाले हैं मुंबई की एक और नई झुग्गी झोपड़पट्टियों में, जहाँ पे आपको पूरा अच्छे से टूर कराएंगे। दोस्तों बता दो, आज हम जाने वाले हैं मुंबई एक एरिया है जो कि मालवानी हिल, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अभी हम जाएंगे यहाँ से अंधेरी स्टेशन और इस तरफ जाएंगे अंधेरी स्टेशन, आगे से रेलवे स्टेशन वहाँ पकड़ेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मालवानी हिल और आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ की जो है झुग्गी झोपड़पट्टियों का रूम रेंट क्या है और लोग जो वहाँ पर कैसे अपनी लाइफ बिताते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है मुंबई में रहना। तो इस टाइम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुंबई के अंदर जो है लोग ऐसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन जगह पे कौन कौन सा एरिया में कैसे रहते हैं। तो फिलहाल चलिए, आप लोग वीडियो बन रही है और आपको लेके चलते हैं सीधा मालवानी हिल और आपको दिखाते हैं कि वहाँ की लाइफ जो है लोग कैसे बिताते हैं। तो आप लोग वीडियो बन रही है, चलिए चलते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना क्योंकि इस तरह वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आप दोस्तों, अभी हम जा रहे थे मालोनी हिल की गलियों में और मुझे रास्ते में एक ऐसा फैक्ट्री दिखा जो आप देख पा रहे हैं सामने। ये बॉटल की फैक्ट्री जहाँ पे मतलब पूरा जो है बॉटल इकट्ठा किया जाता है। आप देख रहे ना, आपको पता है कि जो बॉटल लोग लेके आते हैं कहाँ पर लेके जाते होंगे, तो आप देख सकते हैं ये है मालोनी हिल का एरिया और इसी एरिया में एक जगह है जहाँ पर ये सारा बॉटल को जो है इकट्ठा करके रखा गया है। देख सकते हैं ये गेट के अंदर है और मतलब बहुत सारा यहाँ पर बॉटल रखा है। देख रहे ना, मुझे लगता है कि आस पास जितने बॉटल लोग जो बिन के आते हैं यहाँ पर, या तो सेल करते होंगे, बेचते होंगे, या फिर यहीं पर जो है इकट्ठा किया जाता होगा। तो देख सकते हैं भैया हैं, ये बॉटल को पिघला के मतलब कुछ बनता है क्या इससे? नहीं नया बनता है ये जी। हेलो दोस्तों, भाई ने मुझे कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया इसके बारे में। हो सकता है इनको नहीं मालूम था या फिर ये इसमें काम नहीं करते हैं, जो भी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यही है बोतल की जो फैक्ट्री, मुझे लगता है जहाँ पर पूरा बोतल जो इकट्ठा किया जाता है ये मालोनी हिल के एरिए में। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी चीज़ें आपको देख सकते हैं एरिया यहाँ कुछ है। चलिए अंदर चल दिखा। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा था, देख सकते हैं रास्ते में एक बड़ा सा मुझे गटर दिखाई दिया। दोस्तों, आप इसको नाला बोल सकते हैं या गटर बोल सकते हैं, आप इसे कुछ भी मतलब दोनों में बोल सकते हैं। देखिए मतलब कितना ये कचरा है, और आप देख रहे हैं आजू बाजू में देखिए रूम है, देख पा रहे ना ये रूम है, और बीच में देखिए छोटी सी पतली सी गली गई हुई है जिसके अंदर मुझे अभी जाना है। देखिए बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा ये नाला है, और देख सकते हैं ये देखिए पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको जितना दिखा पा रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना है, नाला तो है ही बट कितना गंदा है। दोस्तों देख रहे ना, अगर इसमें कोई गिर जाता है या फिर कुछ गिर जाता है तो इसमें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर निकालेगा कौन, जाएगा कौन। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह मतलब आपको ये मुंबई मालोनी हिल में जो है आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा एरिया मिलेगा मुंबई में आपको देखने के लिए जहाँ पर आप सोचोगे कि यार यहाँ के लोग जो है ना कैसे रहते हैं। दोस्तों, ये मुंबई की लाइफ जो है ना बहुत अलग होती है। आपको मुंबई, आपको पता है कि मुंबई में हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह का एरिया मिलता है, हर जैसे आपको यहाँ पे सीखने को बहुत ना कुछ भी मिल जाता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और आगे, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं, देख ले आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर और आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो आप लोग देखोगे कि मेरे वीडियो में कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गाड़ी रिपेयर का काम होता है, जो कि काफ़ी गाड़ी ज़्यादा रिपेयर होती है, और इस तरीके से यहाँ पर कलर भी किया जाता है गाड़ियों का। और इस तरीके से आप देखोगे साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा झुग्गी बस्तियाँ नज़र आती हैं हमें सामने। नज़र आने के साथ साथ अभी हम इन गलियों में अंदर जाने वाले हैं, अंदर चल कर पूरा दिखाने वाले हैं कि गलियों का नज़ारा किस तरीके से नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं गलियों में और वहीं से अपने यूट्यूब की जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितना भी आगे हम चलते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमें यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ देखने को मिलती हैं। ये देखिए, दोपहर का समय है, धूप काफ़ी तेज़ है, और इस धूप तेज़ धूप में हम निकल चुके हैं आप लोगों के लिए और वीडियो नहीं बनाने के लिए आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं इस कदर कुछ काफ़ी ज़्यादा झुग्गी झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ का हम नज़ारा आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल आए हुए हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर में काम होता है, फर्नीचर के साथ साथ गाड़ी रिपेयर का भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। ये देखिए, नए से लेके सेकेंड हैंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं जो कि आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। फिलहाल मैं चारों तरफ से आपको ओवरव्यू करके दिखा पा रहा हूँ। ये देखें, उधर सामने हमें पूरा जंगल का नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी से ही, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम जस्ट इन गलियों में जाने जाएंगे और जाने के साथ आपको पूरा दिखाएंगे।
दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ा चेंज हो चुकी है, सर्दी हो गई है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो होता है ना मुंबई के अंदर, रोड पर ही लोग अपनी दुकानें वगैरह लगा लेते हैं, देख रहे हैं ना। और जब BMC वाला आता है ना तो सबको भागना पड़ता है, मालूम है। लेकिन क्या करें, लोग जो है अपना अपना पेट पालने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। देखिए ये गली है और इस गली में हम चल रहे हैं आगे, तो ये देखिए ये गली कुछ मुझे साफ नज़र आ रही है, कैसे कि और कहीं मैं गया था मालूनी हिल में, वहाँ पे जो है काफ़ी पानी वगैरह भरा हुआ था, काफ़ी सटा हुआ रूम था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर में आपको रूम को देखने को मिलेगा ऐसा, मतलब काफ़ी मतलब ये अच्छा बना एरिया और देखने में भी अच्छा लग रहा है, जैसे कि गोरेगांव की फिल्म सिटी लग रही है, मैं शायद ऐसा देखा हूँ उसमें, तो आप देख रहे हैं। लेकिन रूम जो है दोस्तों ऊपर रहता है, नीचे भी रहता है, नीचे कुछ दुकानें हैं, देखिए इस तरफ गली है, देख सकते हैं वहाँ से लेके मतलब बहुत ही काफ़ी गली है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। जय हिंद।